फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट, एक्सेलरेशन एनालिसिस। इसके लिए आपको वेलोसिटी एनालिसिस की नॉलेज जरूरी है। तो अगर आप यूनिट 3 डायरेक्टली देख रहे हो, तो उससे पहले एक बार वेलोसिटी एनालिसिस वाला वीडियो आप देख के आइए। सो स्टार्ट करते हैं। तो मैं किसी भी लिंक की अगर एक्सेलरेशन की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ लिंक ए बी, ठीक है, एंड दिस लिंक इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ए। इसी इंस्टेंट पे ये पॉइंट ए के अबाउट प्योर रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो जो इस लिंक का एक्सेलरेशन होगा, द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ दिस लिंक ए बी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट हैव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सेलरेशन। वन इज रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। वट दिस सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट दैट एक्सेलरेशन ऑफ बी with respect to A, and this R is radial. It is denoting radial. So acceleration of a link in a mechanism can be divided into two parts: radial acceleration, and second is tangential acceleration. It is acceleration of B with respect to A. T denotes tangential part. So acceleration may be of two types: radial acceleration and tangential acceleration in case of rotating body. और अगर radial acceleration की बात करें, so radial acceleration comes because of the change in the direction of velocity. ठीक है, तो अगर circular motion है, if circular motion हो रहा है, तो उस केस में radial acceleration कभी zero नहीं होगा, because in circular motion velocity, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्यों आता है? ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो इट विल नेवर बी जीरो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू वी बी ए स्क्वायर बाय बी ए। वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिंक डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दैट लिंक, ठीक है। तो और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? अगर मैं बी की बात कर रहा हूं, सो फ्रॉम बी टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन ऑफ रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट वेयर एक्सेलरेशन इज बीइंग कैलकुलेटेड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो पॉइंट बी से सेंटर की तरफ जो लाइन जाएगी, दैट विल बी द डायरेक्शन फॉर दिस एक्सेलरेशन। तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे? हमने वेलोसिटी डायग्राम बनाना सीख लिया था, और वेलोसिटी डायग्राम से मैं जितने भी लिंक्स हैं उनकी वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर लिंक ए बी आई कैन इजिली फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए फ्रॉम वेलोसिटी डायग्राम। इसलिए मैंने कहा है कि अगर आप एक्सेलरेशन एनालिसिस पढ़ना चाहते हो, तो एक बार पहले वेलोसिटी एनालिसिस के लेक्चर्स देख के, ठीक है। सो अदर कंपोनेंट ऑफ टोटल एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज केम बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू क्या होगी? इट्स वैल्यू इज लेंथ ऑफ द लिंक इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियल। सो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में है, इट्स एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई बॉडी हमारी रोटेट कर रही है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू रेडियल एक्सेलरेशन। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी या ये होगी, किस पे डिपेंड करेगा? जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू पे डिपेंड। तो किसी भी मैकेनिज्म में रेडियल, अगर वो प्योर रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर किसी लिंक के लिए मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो दे रखा है, देन दैट टेंजेंशियल कंपोनेंट विल नॉट अकर, ठीक है।
तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे किसकी पता होती है? ओनली फॉर द इनपुट लिंक. इनपुट लिंक पे मुझे वो बताएगा कि इट इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी और इट हैव सम एंगुलर एक्सेलरेशन. तो उस पे ही मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा या नहीं. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले एक फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी मैकेनिज्म में जो एक्सेलरेशन है इट मे बी ऑफ टू टाइप, रेडियल एंड टेंजेंशियल. जो रेडियल कंपोनेंट है हमारा, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट लिंक ए बी इन विच विद रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए वी फाइंड दैट बी इज डूइंग प्योर रोटेशन. ठीक है, और अगर बी ए के अबाउट प्योर रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, मीन्स देयर मस्ट बी सम चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो रेडियल एक्सेलरेशन हमारा क्यों आता है रोल में? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो इन अ सर्कुलर मोशन रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी. इसकी वैल्यू कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए. जो लिंक है उसकी लेंथ कितनी है? बी ए. ओके, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी इसकी टूवर्ड्स दी सेंटर. ओके, तो जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा वो है टेंजेंशियल कंपोनेंट. इट इज कम इनटू रोल ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड. और ये कब होगा? जब हमें एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन होगा. तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हमें गिवन है इनपुट लिंक के लिए, मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हमारा होगा. अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं गिवन है देन ये कंपोनेंट नहीं होगा. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है इट इज लेंथ ऑफ द लिंक इनटू इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियल एक्सेलरेशन. तो अगर रेडियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है टुवर्ड्स द सेंटर, तो जो एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा. ओके, तो एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए देखते हैं कि हम अपना जो एक्सेलरेशन डायग्राम है वो कैसे ड्रॉ करें. तो जैसे कि हमने वेलोसिटी डायग्राम में बनाया था, सबसे पहले हमें क्या बनाना है? अपना कॉन्फिगरेशन डायग्राम. तो कॉन्फिगरेशन डायग्राम को बनाने के लिए आप कोई भी स्केल ले सकते हो. ठीक है, ये मेरे पुरानी ही स्लाइड की स्केल है. ठीक है, तो इस पे ना जाओ, आप अपने हिसाब से कोई भी स्केल ले सकते हो. ठीक है, उसके बाद हमें बनाना है वेलोसिटी डायग्राम. वेलोसिटी डायग्राम के लिए भी आप कोई भी स्केल ले सकते हो. ठीक है, उसके बाद हमें रिक्वायर्ड है एक्सेलरेशन डायग्राम. तो एक्सेलरेशन डायग्राम के लिए भी आप जो भी स्केल आपको सूट करे वो आप यहाँ पर ले सकते हो. ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसको देख के. मैं पहले तो हम ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बना लेंगे नोटबुक में. अब जो भी हम इनपुट डेटा इससे ले सकते हैं उसको देख लेते हैं. तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है इट इज 10.5 रेडियन पर सेकेंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मैं पॉइंट ए की लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ. द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विल बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ए डी. उसकी वैल्यू कितनी होगी? आर ओमेगा. ठीक है, और आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 66 mm इंटू 10 to the power -3 मीटर में चेंज करने के लिए, इंटू ओमेगा की वैल्यू है 10.5 रेडियन पर सेकेंड. इसमें आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो आपको पॉइंट ए की लीनियर वेलोसिटी पता चल गई, प्लस उसकी डायरेक्शन भी आपको पता चल गई. ये क्या होगी? इट विल बी परपेंडिकुलर टू लिंक ए डी. इसी से हम अपना रिलेटिव वेलोसिटी मेथड यूज करके अपना वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू आप कोई भी वेलोसिटी डायग्राम के लिए स्केल जो आपको सुटेबल लगे वो यूज कर सकते हो. ठीक है, तो वेलोसिटी डायग्राम बनाना शुरू करते हैं. तो फॉर दिस वी हैव टू टेक ऑल द फिक्स पॉइंट एट ऑल द फिक्स लिंक एज अ पॉइंट. जितनी भी फिक्स लिंक है उनको हमने एज अ पॉइंट ले लिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस विल बी दैट पॉइंट. हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? टू ड्रॉ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए. हमें यही इनपुट अभी पता है यहाँ पर, बना लेते हैं. सो दिस विल बी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए. ये मैंने एरो कैसे बनाया?
दिस एरो, ये जो एरो बनाया है, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लिंक एडी, इज परपेंडिकुलर टू लिंक एडी, और इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता ही है, ये मैंने यहां से मैग्नीट्यूड निकाल लिया. सो आई हैव द नॉलेज ऑफ वेक्टर ए, वेलोसिटी वेक्टर ए. सो सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लेंगे. अब जब हम पॉइंट ए पर आ गए, अब हम पॉइंट ए पर आ गए हैं, तो पॉइंट ए पे अगर पॉइंट ए को मैं रेफरेंस फ्रेम ले लूँ अपना, तो फ्रॉम पॉइंट ए यहाँ रिवोल्यूट पेड़ लगा है, यहाँ पर भी रिवोल्यूट पेड़ लगा है, तो अगर पॉइंट ए को मैं अपना रेफरेंस फ्रेम ले लूँ, सो पॉइंट बी मुझे क्या दिखेगा, पॉइंट बी इज डूइंग सम प्योर रोटेशन. ठीक है, तो पॉइंट बी को पॉइंट ए पे एज्यूम करके हम इसके जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन देखते हैं. तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी पॉइंट बी की, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू लिंक ए बी, ए बी लिंक के परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, अभी मुझे डायरेक्शन नहीं पता कि नीचे की तरफ होगी या ऊपर की तरफ होगी. तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो लिंक ए बी पे परपेंडिकुलर. डन, ओके. चलो अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो ऊपर की तरफ होगी वेलोसिटी हमारी या नीचे की तरफ होगी. तो पॉइंट बी को अगर मैं देखूं, लिंक सी मतलब लिंक बी सी पर भी पॉइंट बी सिचुएटेड है, तो अगर मैं पॉइंट सी को अपना रेफरेंस फ्रेम बना लूं, तो फ्रॉम दिस रेफरेंस फ्रेम बी इज ऑल्सो डूइंग प्योर रोटेशन, और इस केस में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर टू लिंक बी सी. तो हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट सी, पॉइंट सी पॉइंट डी क्योंकि फिक्स्ड थे इसलिए उनका एक ही पॉइंट है यहां से. सो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू लिंक बी सी, और एक पॉइंट दो जगह है, मतलब वो कहां पर है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर है. इट विल बी अवर पॉइंट बी, ज्वाइन कर लेंगे. ओके तो जितने भी फिक्स पॉइंट के साथ वेलोसिटी है, दीज आर एब्सोल्यूट वेलोसिटी. दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी, दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए, एंड दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी. ठीक है, इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए. तो अब यहां से आप सारी वेलोसिटीज कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे करेंगे कैलकुलेट वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल मुझे वेलोसिटी ऑफ बी ए लिखना है, ये मैं कैसे लिखूंगा, स्केल से ये लेंथ मेजर करेंगे. ठीक है, और आपने जो भी स्केलिंग फैक्टर लिया था, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ठीक है, मैंने वही स्केलिंग फैक्टर लेके अगर ये ड्रॉ किया है डायग्राम पूरा, तो वहां पर मैं उस स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेंथ ले लेंगे यहाँ पर इसकी, इनटू स्केलिंग फैक्टर जो है मेरा वो लेके, तो मेरा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में. इस तरह से मैं सारी वेलोसिटीज निकाल सकता हूँ. तो अब हम चलते हैं अपने एक्सेलरेशन डायग्राम पर. तो एक्सेलरेशन डायग्राम पे जाने से पहले जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ वो क्या है, तो हमने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था, जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है इट्स डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, और वो सारी वेलोसिटी हमने वेलोसिटी डायग्राम से निकाल ली है. ठीक है, तो मैं जितने भी मेरे रेडियल कंपोनेंट है उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो एक्सेलरेशन डायग्राम की भी कोई स्केल ले लेंगे. ठीक है, तो जितने भी रेडियल कंपोनेंट है उनकी वेलोसिटी ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू डी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वी ए स्क्वायर बाय ए डी. तो वी ए तो हमने यहां से निकाल लिया था अपना. ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेंगे. रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसकी वैल्यू हमने वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट कर ली है, और लेंथ हमें पता है, ये निकाल लेंगे. तो ये सारी वेलोसिटीज हम निकाल सकते हैं. अच्छा, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी हमें पता है, किसका, लिंक डी ए का. कैसे, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, लेंथ ऑफ द लिंक इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन हमें नोन है, यहाँ पर दे रखा है कितना, 26 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये डायरेक्शन का सेंस याद रखना है. तो हमने एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने के लिए जो भी डेटा हमें चाहिए था वो अभी हम निकाल चुके हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं. एक्सेलरेशन डायग्राम भी वैसे ही स्टार्ट होगा. ठीक है, सबसे पहले हम ले लेंगे अपना जितने भी हमारे फिक्स पॉइंट्स हैं उनको एक पॉइंट ले लेंगे. जितने भी हमारे फिक्स लिंक है, लिंक डी सी फिक्स है, तो पॉइंट डी पॉइंट सी ये सब एक पॉइंट पे हम इस शो करेंगे. ठीक है, डन.
अब हम किससे स्टार्ट करते हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। पॉइंट ए को देख रहे हैं हम विद रेस्पेक्ट टू ओ। जब पॉइंट ए को हम विद रेस्पेक्ट टू ओ देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन की मुझे पता है दो कंपोनेंट यहाँ पर होने वाले हैं, एक रेडियल होगा और एक टेंजेंशियल होगा। रेडियल कंपोनेंट मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, कितना होगा वो? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू डी, इसका स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ लिंक ए डी। ओके, और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? फ्रॉम ए, पॉइंट ए से डी की तरफ। ठीक है, फ्रॉम ए टूवर्ड्स द सेंटर। तो रेडियल एक्सेलरेशन मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पर, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन जो भी वैल्यू आएगी इसकी, उसको हम प्रॉपर स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड करके, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, दैट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यू आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है, उसको हम किस में चेंज कर लेंगे अपने, उसको हम चेंज कर लेंगे अपना ग्राफिकल स्केल में, और उसकी हेल्प से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले रेडियल कंपोनेंट बना लेते हैं। तो ये मुझे प्रॉपर लेंथ और डायरेक्शन पता है, आप इसकी डायरेक्शन देखो, दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर। सो जो एडी लाइन है इसके जस्ट पैरेलल है ये, ठीक है, और इसकी लेंथ मुझे कैसे पता? लेंथ में निकाल चुका हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट टेंजेंशियल कंपोनेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द रेडियल, ठीक है, और क्योंकि ये क्लॉकवाइज था तो मुझे पता है ये इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो इसको हमने इस तरफ ड्रॉ कर लिया, और ये वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं यहाँ से। तो दिस इज टेंजेंशियल, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, सो दिस इज द रेडियल कंपोनेंट एंड दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, तो हमारा जो टोटल एक्सेलरेशन होगा ए पर वो कितना होगा इन दोनों का रिजल्ट। ठीक, तो हमें यहां पर ये क्या मिल गया? पॉइंट ए। सो दिस इज अवर पॉइंट ए। आगे चलते हैं, अब हम पॉइंट ए पर आ गए, पॉइंट ए पर आ गए हैं। अब पॉइंट ए से हम बी को देखेंगे। तो हम किसको देख रहे हैं? वी आर फोकसिंग ऑन पॉइंट बी। किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? ए के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं ए को अपना रेफरेंस फ्रेम ले लूं, तो फ्रॉम ए बी विल बी विजिबल एज डूइंग प्योर रोटेशन। तो यहां पर भी इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा रेडियल और एक होगा टेंजेंशियल। तो रेडियल कंपोनेंट कौन सा कितना होगा? तो रेडियल कंपोनेंट की हम वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, वेलोसिटी ऑफ बी ए जो हमने वेलोसिटी डायग्राम से कैलकुलेट कर ली है, डिवाइडेड बाय बी ए उसका स्क्वायर। तो रेडियल कंपोनेंट मैं यहां से निकाल लूंगा, उसकी प्रॉपर लेंथ मुझे पता होगी, ठीक है, और रेडियल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। तो बी से ए को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियल कंपोनेंट। तो हमने पॉइंट ए से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, पॉइंट ए से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये मुझे मिल गया पॉइंट हम बी डैश। ओके, चलो अब टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करें। अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा कहाँ होगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट की मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, बट मैं इतना जानता हूँ इट विल बी परपेंडिकुलर टू रेडियल कंपोनेंट। तो हमने रेडियल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर। अभी मुझे नहीं पता है कि वो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, अभी मुझे नहीं पता है, बट आई नो दैट इट विल बी सिचुएटेड समवेयर एल्स ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। ओके, तो रेडियल कंपोनेंट तो ये हम निकाल ही चुके हैं। अब चलो, अब हम देखते हैं पॉइंट बी को पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में, पॉइंट बी को पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में। अगर मैं सी को एज अ रेफरेंस फ्रेम ले लूं, तो पॉइंट बी इज अगेन डूइंग प्योर रोटेशन मोशन अबाउट सी। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा रेडियल कंपोनेंट जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही, ठीक है, और एक होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। और रेडियल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इट विल बी फ्रॉम बी टूवर्ड्स सी, मतलब बी सी लाइन के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो दिस लाइन, दिस इज पैरेलल टू लाइन बी सी। चलो, और यहां पर तो मुझे इसकी वैल्यू भी पता है एग्जैक्ट कितनी होगी,
तो यहाँ पर मुझे जो ये मेरा रेडियल कंपोनेंट है इसकी वैल्यू मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, सो दैट पॉइंट विल बी बी डबल डैश, ठीक है। और इस पॉइंट से अगर मैं अब टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करूँ तो जो मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो कब होगा, कहाँ होगा, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू लिंक बी सी। तो हमने जो ये लाइन थी हमारी इसके परपेंडिकुलर एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम बी डबल डैश, तो दिस विल बी अवर पॉइंट बी। तो जो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट बी होगा वो यहाँ होगा जहां पे ये दोनों लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ओके। दिस इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी एंड दिस विल बी द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी। तो ये सब कंपोनेंट से अगर मैं रिजल्टेंट लेना चाहूँ तो दिस विल बी द एग्जैक्ट टोटल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए एंड दिस विल बी टोटल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी, बिकॉज सी इज अ फिक्स पॉइंट मीन्स इट इज ऑल्सो द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हमारा एक्सेलरेशन डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब आपसे अगर कुछ भी पूछता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो आप स्केल से ये वैल्यू मेजर करोगे, जो भी आपका स्केलिंग है उससे इसको मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका 3 सेंटीमीटर, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए हो जाएगा 3, ठीक है। और आपने स्केलिंग क्या ली है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी योर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करो, डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, और जो भी एग्जैक्ट आंसर्स हैं वो आप निकाल सकते हो बहुत ईजी, ओके। तो अगर आपको वेलोसिटी डायग्राम बनाना आ गया तो एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने में कुछ नहीं है, इसमें बस आपको एक साथ दो कंपोनेंट्स का ध्यान रखना है, एक रेडियल कंपोनेंट जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉइंट ए पे निकाल रहा हूँ तो फ्रॉम ए टूवर्ड्स द सेंटर। दूसरा आपको ध्यान रखना है टेंजेंशियल कंपोनेंट की, और टेंजेंशियल कंपोनेंट हमेशा रेडियल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपको पता लगाना है और वहां से आप टोटल रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो एक्सेलरेशन डायग्राम एक बार अगर आपको बनाना आ गया, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल केस भी है, ठीक है। दिस स्पेशल केस इज ओनली फॉर बेसिक इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। जो हमारा आईसी इंजन वाला इन्वर्जन था उसके लिए, ओके। सो इफ यू हैव अ बेसिक इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और एन आईसी इंजन और द कंप्रेसर डायग्राम, ठीक है, तो उसके लिए बाय यूजिंग क्लिंग्स कंस्ट्रक्शन मैं एक्सलेशन और वेलोसिटीज की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर दिस स्पेशल केस। तो इसमें हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि अगर लिंक जो ओए है, ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट लिंक, फिक्स लिंक, दिस इज लिंक टू, दिस इज लिंक थ्री, दिस इज लिंक टू क्रैंक, दिस इज लिंक थ्री कनेक्टिंग रॉड एंड दिस इज लिंक फोर विच इज नॉन ए स्लाइडर, ठीक है। तो अगर चार लिंक का हमारा मैकेनिज्म है वो भी कौन सा, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म फर्स्ट इन्वर्जन, तो उस केस में मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकता हूँ बाय यूजिंग क्लीन्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो लिंक टू है, जो आपका लिंक टू है, ठीक है, विच इज इनपुट लिंक, ठीक है, तो इनपुट लिंक की में आपको जो एंगुलर एक्सलरेशन है इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर एंगुलर एक्सलरेशन जीरो है तभी आप क्लीन्स कंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू फॉलो द सेम रूल्स विच वी यूज अर्लियर, ठीक है, इन अ 4 बार मैकेनिज्म प्रॉब्लम। तो क्लीन्स कंस्ट्रक्शन के लिए जो एक्सेप्शन है या फिर जो मस्ट कंडीशन है वो क्या है, द एंगुलर एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हो सकती है कॉन्स्टेंट ओमेगा, बट अल्फा शुड बी इक्वल टू जीरो। उसी केस में मैं क्लीन्स कंस्ट्रक्शन को यूज
कर सकता हूं। तो अगर आपको अब कैसे यूज करेंगे क्लिंस कंस्ट्रक्शन को, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करिए। सबसे पहले जो लिंक ए बी है उसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। लिंक ए बी को एक्सटेंड करके फ्रॉम पॉइंट ओ फिक्स लिंक के पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, फ्रॉम पॉइंट ओ फिक्स लिंक पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। और ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, ठीक है, इसको देखो, अब आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल ओ पी ए, ट्रायंगल ओ पी ए। तो दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आपको मिला ट्रायंगल ओ पी ए, दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल इज सिमिलर टू अवर वेलोसिटी डायग्राम। तो अगर आप इसका वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो जो वेलोसिटी डायग्राम है और ये जो पर्टिकुलर ट्रायंगल है, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, ओके। तो आपको यहां पर कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, लिंक ए बी को एक्सटेंड किया है और ओ से जो फिक्स लिंक है उस पर परपेंडिकुलर डाला है, और जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है दैट विल बी अवर पॉइंट पी, एंड दिस ट्रायंगल ओ पी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए विच इज वेलोसिटी, जो वेलोसिटी वेक्टर हमारा है, जो वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम है उसके सिमिलर है ये ट्रायंगल, डन। तो देखो आपको यहाँ पर वेलोसिटी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ये तो हमने उसे बना के दिखा दिया, ठीक है, आप डायरेक्टली इससे ही वैल्यूज निकाल सकते हो। चलो अब देख लेते हैं एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट ए को, ये हमने वेलोसिटी डायग्राम के लिए बना लिया ये ट्रायंगल, इसको याद रखेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी वैल्यू वो अभी बता देता हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए को सेंटर लेके और ए पी को रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ए को सेंटर लिया है हमने, पॉइंट ए को सेंटर लिया है और ए पी को रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जो हमारा कनेक्टिंग रॉड वाला लिंक है ए बी, कनेक्टिंग लिंक वाला जो रॉड लिंक है हमारा ए बी, उसका मिड पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल और प्रोटेक्ट, कैसे भी इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करो आप। और इस मिड पॉइंट को सेंटर लेके और फ्रॉम द मिड पॉइंट टूवर्ड्स ए और टूवर्ड्स बी को रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये सर्किल में जो यहाँ पर ये दोनों सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे, उस इंटरसेक्शन पॉइंट, उन इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा होगा, क्वाड्रिलेटरल ओ ए, क्वाड्रिलेटरल ओ ए आर एस, ठीक है। तो दिस क्वाड्रिलेटरल ओ ए आर एस, दिस क्वाड्रिलेटरल ओ ए आर एस इज सिमिलर टू द एक्सेलरेशन डायग्राम। अगर आप इसका एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करते जो कि नीचे मैंने दिखाया है, तो दिस क्वाड्रिलेटरल ओ ए आर एस इज सिमिलर टू द क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी डैश बी, ओ ए आर एस इज सिमिलर टू द एक्सेलरेशन डायग्राम ओ ए बी डैश बी। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है कौन सा, ओ ए आर एस इज सिमिलर टू द एक्सेलरेशन डायग्राम ओ ए बी डैश बी, ठीक है, क्लियर। तो अब इससे वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हो एक्सेलरेशन डायग्राम अगर आप बनाओगे, तो दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, दिस इज द एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, ओके। ए पॉइंट से अगर हम बी को लोकेट करेंगे, तो एक रेडियल कंपोनेंट होगा हमारा, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी टू ए, ठीक है, वो कंपोनेंट हम बनाएंगे। टेंजेंशियल कंपोनेंट रेडियल के परपेंडिकुलर होगा, उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और अगर ओ के रेस्पेक्ट में बी को देखो, तो वो तो ट्रांसलेट कर रहा है, तो दिस विल बी दैट पॉइंट, क्लियर। तो जो हमारा दिस क्वाड्रिलेटरल इज प्रोपोर्शनल टू
दिस क्वाड्रिलेटर ओ ए आर एस इज सिमिलर टू द एक्सक्लूशन डायग्राम ओ ए बी डैश बी। अब इनसे हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, और यहाँ पर ये जो ट्रायंगल था हमारा, ट्रायंगल ओ ए पी इज सिमिलर टू द वेलोसिटी डायग्राम ट्रायंगल ओ ए बी। तो अब हमें क्या करना है, जितनी भी हमारी वेलोसिटीज होंगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ पर हम सिमिलरिटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो दिस वेलोसिटी ऑफ ए मींस ओ टू ए की जो डिस्टेंस है इज सिमिलर टू द ओ टू कैपिटल ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय ओ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ओ पी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए पी। ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो हमेशा सेम होगा एंड इट विल बी इक्वल टू ओमेगा क्रैंक, जो भी आपको इनपुट लिंक का ओमेगा दे रखा था उसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये ट्रायंगल आइडेंटिफाई करके, ठीक है, बस आपको याद रखना है कि कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल थी। तो वी ए डिवाइडेड बाई ओ ए, वी बी डिवाइडेड बाई ओ पी एंड वी ए बी डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल टू ओमेगा क्रैंक। तो आप यहां से डायरेक्टली वी ए वी बी वी बी वी ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा एक्सलरेशन डायग्राम है, क्योंकि वो दोनों सिमिलर है तो वहां पर भी जो साइड्स का रेशियो होगा वो सेम होगा। तो दिस एक्सलरेशन ऑफ ए इज सिमिलर टू द लेंथ ओ ए, तो इनका रेशियो। दैट रेडियल एक्सलरेशन बी ए इज सिमिलर टू द लेंथ ए आर, इनका रेशियो। टेंजेंशियल एक्सलरेशन ऑफ बी ए इज सिमिलर टू दिस लेंथ, इसका रेशियो। एंड टोटल एक्सलरेशन ऑफ बी, ओ सॉरी, टोटल एक्सलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, इनका रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ऑफ क्रैक। ठीक है, और आपको अगर ए बी का टोटल रिजल्टेंट चाहिए तो इसको मैच करा लो, दिस विल बी द टोटल रिजल्टेंट ऑफ ए बी। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि क्लिंस कंस्ट्रक्शन यूज करके, वो भी कब, जब आपको अल्फा की वैल्यू जीरो हो, आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूजिंग क्लिंस कंस्ट्रक्शन यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटीज ऑफ कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इस स्लाइड को एक बार दोबारा दिखा देता हूं। तो अगर आपके पास बेसिक इन्वर्जन ऑफ स्लैटर क्रैंक मैकेनिज्म है, फॉर एग्जांपल आईसी इंजन की प्रॉब्लम है, एंड इन दिस उसी मैंने एक ही चीज याद रखने के लिए कही है कि अल्फा शुड बी इक्वल टू जीरो, और आपको सिर्फ लिंक एओ का क्या दे रखा है, ओमेगा पता रखा है, तो इस केस में आपको वेलोसिटी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप कैसे प्रोसीड करोगे, ए बी को एक्सटेंड करोगे, ओ से फिक्स लिंक पे परपेंडिकुलर डालोगे, और ये जो आपको ट्रायंगल मिला है, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू द वेलोसिटी डायग्राम। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है, इस कंडीशन को हम यूज करेंगे। दूसरा, अगर आपको एक्सलरेशन डायग्राम भी देखना है तो आप ए को सेंटर लेके पी और ए पी को रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ करो, ए बी के मिड पॉइंट से मिड पॉइंट टू ए रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ करो, जहां पे दोनों सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, और ये जो आपको नया क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, दिस क्वाड्रिलेटरल ए ओ ए आर एस इज सिमिलर टू द एक्सलरेशन डायग्राम। ठीक है, ये किसके सिमिलर है, एक्सलरेशन डायग्राम के। तो ये है हमारा एक्सलरेशन डायग्राम। तो यहां पर भी क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो भी सेम होने वाला है। तो अगर हम पहले वेलोसिटी डायग्राम को देख लें, जो हमारी लेंथ ओ ए है कॉन्फिग्रेशन डायग्राम में इज सिमिलर टू द वेलोसिटी वेक्टर वी ए, जो हमारी लेंथ ओ पी है इज सिमिलर टू द वेलोसिटी वेक्टर वी बी, और जो हमारी लेंथ ट्रायंगल में ए पी ओ में जो हमारी लेंथ ए पी है इज सिमिलर टू द वेलोसिटी वेक्टर ए बी। तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो भी हमारा सेम होगा एंड दिस रेशियो इज इक्वल टू द ओमेगा क्रैंक। ठीक है, तो अगर आपको वी बी फाइंड करनी है तो जस्ट यहां से आप
ओपी मेजर करिए और इसमें ओमेगा क्रैंक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट वी बी। तो आपको अगर वी बी की वैल्यू चाहिए सो इट विल बी इक्वल टू ओमेगा क्रैंक इंटू ओपी। वी ए बी कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा इंटू ए पी, एंड वी ए हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू ओ ए। तो आपको वेलोसिटी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन डायग्राम है वो भी सिमिलर है। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज सिमिलर टू द लेंथ ओ ए, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बी बी ए इज सिमिलर टू द लेंथ आर एस, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ बी ए इज सिमिलर टू द लेंथ ए आर, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ बी इज सिमिलर टू द लेंथ ओ एस। तो इस केस में भी आपका जो ये रेशियो है, क्योंकि दोनों क्वाड्रिलेटर सिमिलर है, इट विल ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड दैट वैल्यू इज ओमेगा क्रैंक स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कैलकुलेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बी ए, फॉर दिस यू हैव टू जस्ट मेजर द आर एस लेंथ, आर एस लेंथ को मेजर करो, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई इट विद ओमेगा स्क्वायर, यू विल गॉट योर आंसर। तो क्लीन्स कंस्ट्रक्शन इज वेरी यूजफुल इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, इसलिए इसको यूज करना जब भी आपको मौका लगे। बट अगर आपको ये याद नहीं है फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यू स्टिल कैन ड्रॉ वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम, ठीक है, जैसे बनाते हैं उन रूल्स को फॉलो करके आप डायरेक्टली डायग्राम बनाकर भी आंसर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना आ गया है, बट एक्सेलरेशन डायग्राम में एक स्पेशल केस है हमारा कोरिओलिस एक्सेलरेशन का। ये क्या है, तो जब भी हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें एक लिंक पर जो दूसरा लिंक है वो स्लाइड कर रहा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट बी, दिस इज लिंक ओ ए, ठीक है, तो लिंक ओ ए हमारा इस टाइम पर रोटेट भी कर रहा है और साथ ही साथ जो लिंक बी है दैट इज स्लाइडर, इट इज स्लाइडिंग ओवर द लिंक ओ ए। मीन्स अगर मैं स्लाइडर की वेलोसिटी ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, तो जो स्लाइडर है वो वी बी वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है लिंक ओ ए पे, और साथ ही साथ जो हमारा लिंक है वो हमारा रोटेट भी कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इस केस में हमारा एक नया कंपोनेंट एक्सेलरेशन का रोल प्ले करता है, दैट इज कोरिओलिस एक्सेलरेशन। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन कैसे रोल में आया। तो सेम लिंक है, इसमें अब मैं क्या कर रहा हूं, लेट सपोज जो एंगुलर वेलोसिटी थी, जो लिंक ओए है, जो लिंक ओ ए है उसकी एंगुलर वेलोसिटी में जीरो कर लेता हूँ, मीन्स अभी ये रोटेट नहीं कर रहा है, और जिस स्लाइडर की जो लीनियर वेलोसिटी है मैं सिर्फ उसको कंसिडर करता हूँ। तो आफ्टर टाइम, दिस इज एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, एंड आफ्टर टाइम टी इक्वल टू टी अगर सिर्फ हमारा स्लाइडर स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडर विल कवर दिस मच डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज प्योर स्लाइडिंग, ओनली वी इफेक्ट, जो स्लाइडर की वेलोसिटी है हम सिर्फ उसका इफेक्ट देख रहे हैं। चलो सेकेंड केस देखते हैं जिसमें हमारा, हमने स्लाइडर की वेलोसिटी जीरो कर दी, हमने स्लाइडर को फिक्स कर दिया है, सिर्फ हमारा जो लिंक है, कौन सा लिंक ओ ए, वो सिर्फ रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ उसको कंसिडर करें तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो हमारा लिंक यहाँ पर है, एंड एट टाइम टी इक्वल टू टी हमारा लिंक कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और जो हमारा स्लाइडर होगा वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। और अगर इन दोनों इफेक्ट को अगर मैं अब सुपर इम्पोज कर दूं, तो अब पहले मैं क्या लेके चल रहा हूं, दैट ओनली ओमेगा, कि सिर्फ हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, तो स्लाइडर हमारा स्लाइड करके एट टाइम, सो दिस इज टाइम टी इक्वल टू जीरो ये फिगर, और ये फिगर कैसे आएगा हमारा, एट टाइम टी इक्वल टू टी पर स्लाइडर हमारा स्लाइड करके यहां आया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, और एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइडर विल बी समवेयर एट दिस लोकेशन, हमारा स्लाइडर यहाँ होना चाहिए था, बट क्योंकि स्लाइडर हमारा कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पर, तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है इट इज ड्यू टू द कोरिओलिस इफेक्ट। समझ में आया आपको, तो अगर मैं सिर्फ लीनियर वेलोसिटी का इफेक्ट देखूं देन स्लाइडर शुड बी एट दिस पोजिशन, ठीक है, अगर मैं सिर्फ लीनियर वेलोसिटी और सिर्फ ओमेगा का इफेक्ट देखूं तो स्लाइडर पहले यहां से यहां आएगा, उसके बाद स्लाइडर यहां से यहां चला जाएगा, बट स्लाइडर इज कवरिंग सम मोर एक्स्ट्रा डिस्टेंस,
that distance is due to the Coriolis इफेक्ट. और वही इफेक्ट अभी हम यहां पर स्टडी करेंगे. समझ में आया कोरिओलिस इफेक्ट आपको? तो अगर मैं सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी देखूं, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी लेके चल रहा हूं तो स्लाइडर मेरा टाइम टी इक्वल टू टी यहां होना चाहिए. साथ ही में अगर मैं सिर्फ वेलोसिटी का इफेक्ट देखूं तो स्लाइडर मेरा यहां होना चाहिए. तो एंगुलर वेलोसिटी और सिर्फ स्लाइडर की वेलोसिटी के इफेक्ट के साथ स्लाइडर की ये पोजिशन होनी चाहिए एट टाइम इक्वल टू टी. बट स्लाइडर हमारा यहां पर आ गया. सो दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस विच इज कवर्ड इज ड्यू टू सम न्यू फॉर्म ऑफ एक्सलेशन एंड दैट फॉर्म इज Coriolis इफेक्ट. दैट एक्सलेशन इज नोन एज Coriolis एक्सलेशन एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज Coriolis इफेक्ट. डन. तो ये Coriolis एक्सलेशन की वैल्यू कितनी होती है? सो दिस एक्सलेशन विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद द स्लाइडर वेन द स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी. तो ये एक्सलेशन इफेक्ट में कब आएगा? जब भी कभी किसी रोटेटिंग बॉडी पे कोई बॉडी स्लाइड कर, ठीक है, और किसी कंडीशन में या और किसी सिचुएशन में ये एक्सेलरेशन हमारा इफेक्ट में नहीं आएगा. ये कब इफेक्ट में आएगा? दिस एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद द स्लाइडर. ठीक है, ये किससे एसोसिएटेड? विद द स्लाइडर व्हेन द स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज, द मैग्नीट्यूड ऑफ Coriolis एक्सेलरेशन इज 2v ओमेगा. जहां पर ये जो v है, दिस v इज द स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर. और कोई वेलोसिटी नहीं है, दिस v इज ओनली द स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर. एंड ये जो ओमेगा है, दिस ओमेगा इज द एवरेज, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, दिस ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन विच स्लाइडर इज स्लाइडिंग. जिस बॉडी पर स्लाइडर स्लाइड कर रहा है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी बात कर रहे हैं. तो अगर मैं अपना ये जो प्रॉब्लम है यहां बनाऊं, दिस इज लिंक ओ ए, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा और इस पे एक स्लाइडर स्लाइड कर रहा है विद वेलोसिटी वी. तो ये जो वी वेलोसिटी यहां पर ली है हमने इसकी वैल्यू में, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर ओनली, और कोई वेलोसिटी नहीं. और ये जो ओमेगा है ये किसकी वेलोसिटी है? ये उस बॉडी की वेलोसिटी है इस पे स्लाइडर स्लाइड कर रहा है. मीन्स दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ओ ए. ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ Coriolis एक्सेलरेशन इज 2v ओमेगा. ठीक, तो अभी हमने मैग्नीट्यूड तो देख लिया, ये देख लिया कि ये रोल में क्यों आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और इसकी अब देखना है डायरेक्शन क्या होगी. और डायरेक्शन देखने से पहले हम कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं कि Coriolis एक्सेलरेशन की वैल्यू जनरली स्पेशल केसेस में क्या क्या होगी. तो ये प्रॉब्लम आपको याद होगी, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्लॉटेड लीवर क्रैंक मैकेनिज्म, थर्ड इन्वर्जन. ठीक है, तो थर्ड इन्वर्जन में भी आपने देखा था कि एक स्लाइडर एक दूसरी बॉडी पर रोटेट कर रहा होता. तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, जो स्लाइडर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लिंक ओ, दिस इज ओ वन, दिस इज ओ टू. ठीक है, दिस इज लिंक ओ वन सी एंड दैट इज स्लाइडर एट पॉइंट बी. तो जो स्लाइडर है वो किस लिंक पे स्लाइड कर रहा है? स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन लिंक बी, इज स्लाइडिंग ऑन लिंक ओ वन सी. ठीक है, इस पे स्लाइड कर रहा है. तो इस पूरे केस में Coriolis एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इंस्टेंट पे बात कर रहा हूँ तो Coriolis एक्सेलरेशन मेरा एग्जिस्ट करेगा. पर कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पर Coriolis एक्सेलरेशन मेरा एग्जिस्ट नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द क्रैंक बिकम परपेंडिकुलर टू द लीवर. ठीक है, इस केस में व्हेन द क्रैंक बिकम, ये तो रोटेट कर रहा है कंटिन्यूअसली, पर एक मोमेंट ऐसा भी आएगा ना जब ये जो क्रैंक है, जो कनेक्टिंग रॉड है, उस पर परपेंडिकुलर होगी. तो एट दैट मोमेंट ये जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड ही वो बॉडी है, सॉरी, ये जो हमारा जो लीवर है, ये लीवर ही वो बॉडी है जिसपे हमारा स्लाइडर स्लाइड कर रहा है. ठीक है, और अगर मैं Coriolis एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो होता है 2v ओमेगा.
सो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट जो हमारा लीवर था वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में आ गया है, और इसके बाद इस मोमेंट के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो इस तरफ मूव करने लगेगा। तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो ओमेगा है इस लिंक का, जो ओमेगा है लीवर का, इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस इस केस में कोरिलेशन एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, सेकंड केस क्या है हमारा, जब हमारा लिंक रोटेट कर रहा है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा, हमारा जो हमारा स्लाइडर है वो अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पोजीशन के बाद जैसे ही ये आगे की तरफ मूव होगा, स्लाइडर हमारा नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। मींस एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट जो उसकी वेलोसिटी है वो थोड़ी देर के लिए क्या हो गई है, जीरो। तो अगर 2v ओमेगा की बात करूं तो अब यहाँ पर क्या जीरो हो गया, स्लाइडर की वेलोसिटी जीरो हो गई है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। तो यहां पर भी कोरिओलिस एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। क्लियर? फिर से बता देता हूं, तो जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर स्लाइडर किसी बॉडी पर स्लाइड कर रहा है, ठीक है, दिस इज O1, दिस इज O2, ठीक है, दिस इज लिंक O1C, दिस इज O1B। तो जो स्लाइडर है, देखो ये स्लाइडर है, और स्लाइडर स्लाइड किस पे कर रहा है, स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन O1C। ठीक है, तो जो भी कोरिओलिस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड था वो कहता 2v ओमेगा, जिसमें ये जो v है वो स्लाइडर की स्लाइडिंग वेलोसिटी है, और ये जो ओमेगा है ये उस लिंक की वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी जिस पे स्लाइडर स्लाइड कर रहा है। तो स्लाइडर स्लाइड किस पे कर रहा है, O1C पर। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते टाइम हमें इन दोनों की वैल्यू का ध्यान रखना होगा। तो अगर मैं लिंक O1C को देखूं तो उसकी दो एक्सट्रीम पोजीशन है, वो ऑसिलेट कर रहा है यहां से यहां पर, तो वो यहां पर आएगा, इसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन कब मिलेगी मुझे, पहले जब जो हमारा लिंक OB है वो लिंक O1C पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो एट दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ लिंक O1C, इसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अभी तक वो इधर मूव कर रहा था, इसके बाद वो इधर मूव करने लगेगा। तो एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। और जैसे ही ये वेलोसिटी जीरो होगी, कोरिओलिस एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सेकंड केस क्या है, जब हमारा वी जीरो हो जाए, वो कब होगा, जब स्लाइडर हमारा स्लाइड करते हुए अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाए। ठीक है, और इसके बाद अब वो डायरेक्शन चेंज करके नीचे की तरफ आने लगेगा। तो एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट वहां पर जो लीनियर वेलोसिटी है स्लाइडर की, उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो एट दैट कंडीशन ऑल्सो जो हमारा कोरिओलिस एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोरिओलिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन निकालना भी बहुत ईजी है, इसके लिए आपको दो स्टेप फॉलो करने हैं। देखो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, तभी आप इनका रिजल्टेंट निकाल सकोगे। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज टेक द सेंस ऑफ ओमेगा। जिस लिंक पर स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, ठीक है, उस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी की पहले हम डायरेक्शन देखेंगे कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, टेक द सेंस ऑफ ओमेगा, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक बार आप ये देख लो कि जो लिंक है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है आपका, रोटेट द वी इन दैट सेंस बाय 90 डिग्री। जो आपकी स्लाइडर की वेलोसिटी है, ठीक है, जो आपकी स्लाइडर की वेलोसिटी है उसको आप 90 डिग्री उसी सेंस में रोटेट कर दो। अगर क्लॉकवाइज था तो स्लाइडर की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी उसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके देख लो, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर कोरिओलिस एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ये केस है हमारा। तो आप इसमें देखो जो हमारा ओमेगा है इट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कोरिओलिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, पहले आप देखो, दूसरा स्टेप क्या है, आप देखो कि v की डायरेक्शन क्या है, v इज गोइंग टू राइट डायरेक्शन। ठीक है,
तो कोरोलिसिस एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या करना है, रोटेट द वी इन द सेंस बाय 90 डिग्री, जो ओमेगा की डायरेक्शन थी उसी सेंस में इसको 90 डिग्री रोटेट कर दे। तो इसको हम 90 डिग्री हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ कोरोलिसिस एक्सेलरेशन। सेकेंड केस देख लेते हैं, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता, मूव कर रहा होता, तो वी को मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कोरोलिसिस एक्सेलरेशन। दिस इज द थर्ड केस। तो अभी आप पहले सेंस देखो, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट इज मूविंग टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन और वी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, स्लाइड हमारा अभी इस तरफ स्लाइड कर रहा है। तो अब मुझे करना क्या है, डायरेक्शन कितनी लूंगा मैं, वी को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा। तो ये है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें फिर डायरेक्शन देखनी क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो वी को मैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा, देन दिस विल बी अवर वैल्यू ऑफ कोरोलिसिस एक्सेलरेशन। डन। इस केस में भी देखो, जो हमारा लिंक है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वी को मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ कोरोलिसिस एक्सेलरेशन। तो लेट्स डू वन प्रॉब्लम। तो एक लिंक दे रखा है आपको, ओ सी, ठीक है, एक लिंक दे रखा है तो आपको ओ सी, और इस लिंक पर एक स्लाइडर हमारा स्लाइड कर रहा है, और स्लाइडर की वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी, 0.75 मीटर पर सेकेंड, और जो लिंक है उसकी हमें रेडियल वेलोसिटी दे रखी है कितनी, एंटी क्लॉकवाइज 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द एक्सलरेशन ऑन द स्लाइडर। तो अगर उसने सिर्फ एक्सलरेशन लिखा है, मीन्स इन द प्रॉब्लम इट इज आस्क्ड टू फाइंड द टोटल एक्सलरेशन रिजल्टेंट, ठीक है। तो अब यहां पर हमें देखने की टोटल कौन कौन से एक्सलरेशन हमारे एक्ट कर रहे हैं। अगर आप पॉइंट बी को देखो विद रेस्पेक्ट टू ओ, ठीक है, तो ये रोटेट कर रहा है, मीन्स पॉइंट बी का यहाँ पर रेडियल एक्सलरेशन भी हमें निकालना है, टेंजेंशियल एक्सलरेशन भी निकालना है, प्लस क्योंकि स्लाइडर हमारा साथ ही साथ स्लाइड कर रहा है किसी और लिंक पर, तो यहाँ पर कोरोलिसिस एक्सलरेशन भी निकालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 0 है, मीन्स जो हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट है दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0, बट रेडियल कंपोनेंट तो हमारा हो गई, तो सबसे पहले हम रेडियल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये रेडियस आपको पता है, सो दिस वैल्यू इज 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, रेडियल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होगी, जिस पॉइंट पे निकालते हैं उस पॉइंट से सेंटर की तरफ, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर रेडियल कंपोनेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंजेंशियल तो यहां पर है नहीं, वरना उसको भी कंसिडर करते, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 है, और इस पे अब कौन सा एक्सलेशन और लगेगा, कोरोलिसिस एक्सलेशन, उसकी वैल्यू है कितनी, 2v ओमेगा, ठीक है। v क्या है, स्लाइडर की वेलोसिटी, ओमेगा है वो लिंक जिस पे स्लाइडर स्लाइड कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, सो इसकी वैल्यू होगी 2 × 0.75, ओमेगा कितना है 2, सो इट विल बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप पहले ओमेगा का सेंस ले लो, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, फिर वेलोसिटी को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दो, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ कोरोलिसिस एक्सेलरेशन, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का आप रिजल्टेंट लेंगे एंड दैट विल बी योर टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विच विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना, अगर एक्सेलरेशन पूछ रहा है देन इट इज आस्किंग अबाउट टोटल एक्सेलरेशन, तो आप रेडियल, टेंजेंशियल, और अगर कोरोलिसिस एक्सलरेशन भी उस टाइम एक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर केस में, तो इन तीनों को कंसिडर करके उनका रिजल्टेंट लेंगे। ओके, थैंक यू। यहाँ पर हमारा एक्सलरेशन एनालिसिस की यूनिट भी खत्म होती है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये यूनिट छोटी इसलिए लगी है क्योंकि वेलोसिटी एनालिसिस हम पहले ही कर चुके हैं, और वेलोसिटी डायग्राम अगर आपको एक बार बनाना आ गया
तो आप एक्सेलरेशन डायग्राम भी बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई है। होप यू गाइस इंजॉय द लेक्चर, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी ऑफलाइन क्लासेस भी सुनने में आ रहा है कि स्टार्ट होने वाली है, तो हम उसमें उसको क्लियर कर लेंगे। बट उससे पहले इट इज अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज वॉच दीज वीडियोस ताकि आपके कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर हो। थैंक यू सो मच, बाय।